नाज़रीन, आज आपसे एक ऐसी वीडियो शेयर करना चाहता हूँ कि जिसे देखकर वाकई तौर पर मुझे दिली दुख हुआ। ये वीडियो मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से है। वीडियो दिखाने से पहले चंद ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ ताकि वीडियो शेयर करने का असल मकसद वाज़े हो सके। मैं बज़ाते खुद मौलाना तारिक जमील साहब का एक तगड़ा फ़ैन हूँ। मैं अपनी फेसबुक पर उनकी पोस्टर्स शेयर करता रहता हूँ ताकि अमन, मोहब्बत और इखलास का एक पैगाम दिया जाए जो हर जगह पहुँचे। मेरे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर मौलाना साहब की एक वीडियो और एक तस्वीर सेंड की जिसमें मौलाना साहब का एक दर्दनाक क्लिप चल रहा है जो कि मोहब्बत बांटने के हवाले से था, और साथ वीडियो चल रही है जिसमें मौलाना साहब एक बंदे से सलाम लेने से मना कर रहे हैं, और इसके साथ ये भी लिखा है कि ये है तुम्हारा तारिक जमील जो मोहब्बत का पैगाम देता है मगर खुद उस पर अमल नहीं करता। तकब्बुर कभी ना करना, एड़ी मार के ना चलना, गर्दन टेढ़ी करके ना चलना। आदमी जिना शराब से इतना अल्लाह की नजरों में जलील नहीं होता जितना तकब्बुर से जलील होता है। दोस्तों, ये थी वो वीडियो कि जिसने इंतहा पसंद लोगों को मौका दिया कि वो लोग मुसलमानों के दिलों में बसने वाले शख्स की मोहब्बत हुक्म कर सकें, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मौलाना साहब को आगे कहीं जाने की जल्दी हो या कोई और वजह भी हो सकती थी, मगर पाकिस्तानी आवाम ऐसी है कि छोटी सी बात को बहुत बना संवार के दिखाना जानती है। जिस तरह कुरान पाक में हुक्म है कि हरगिज़ नमाज के करीब न जाओ अगर तुम नशे में हो, अगर इंसान यही देखता रहे कि हरगिज़ नमाज के करीब न जाओ, हरगिज़ नमाज के करीब न जाओ, मगर ये ना देखे कि अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया है कि अगर तुम नशे में हो, तो इस तरह इंसान नमाज से दूर जा सकता है। सिर्फ पहले हिस्से को देखा जाए तो यही हुक्म है कि हरगिज़ नमाज के करीब ना जाओ। इसी तरह अगर मुकम्मल वीडियो दिखाई जाती तो शायद कुछ और ही सीन होता। दोस्तों, आपको क्या कहना है मेरी इस वीडियो के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।